एवियन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं और वो है स्टैंडर्ड 7 के लिए चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आज सबसे पहला हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस लॉकडाउन का ये पहला क्लास है आज, तो आज इंट्रोडक्शन हो जाए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेज रोज़ नया नया वीडियो अपलोड करते जाएंगे। इसमें हम लोग जानें कि न्यूट्रिशन ज़रूरी क्यों, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड फूड, न्यूट्रिशन ये ज़रूरी क्यों है, और क्योंकि इस ये जो है फूड हम लोग के बेसिक नीड्स है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सबों को एनर्जी के लिए फूड पर ही निर्भर रहना पड़े, और वो चाहे किसी तरह का हो, वो खुद बनाए या किसी का बनाया हुआ है वो यूज़ करे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन लेगा और उसका यूटिलाइजेशन करेगा अपना एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और भी अलग अलग लाइफ प्रोसेस को करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए अपना लाइफ प्रोसेसेस ये न्यूट्रिशन दे। और ये जो है न्यूट्रिशन करेगा, तो इसमें हम लोग पहले पढ़ ही चुके हैं कि न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के लिए जो भी उपयोगी कंपोनेंट्स हैं जो फूड में प्रेजेंट रहता है उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, और उसी से ये बना है। न्यूट्रिएंट्स लेने का प्रोसेस जो है वो कहलाएगा न्यूट्रिशन। हम लोग देखें अब टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में देखें, सबसे पहले इसको दो भागों में बांटा गया है, क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट इसमें देखेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक जैसे बना हुआ ये शब्द जो है वो देखिए, ऑटोज और ट्रोफोज दो शब्द से बना हुआ है, तो ऑटो मीन्स सेल और ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, जो ऑर्गेनिज्म अपने से भोजन बनाए, ऑर्गेनिज्म इज प्रिपेयर दियर ऑन फूड, तो वो कहलाएगा ऑटोट्रॉप्स। और वो प्रोसेस द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर दियर ऑन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और इसमें आएगा जितना भी ग्रीन प्लांट्स, उसमें ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसमें, और वो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, मतलब कि वो अपना भोजन बनाने में मदद करता है। और सेकंड है हेटरोट्रॉफिक, ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरो मीन्स यहाँ हम लोग देखेंगे और ट्रोफोज, यहाँ पर भी दो शब्द हैं। अब ये जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बना के दूसरे पर डिपेंड रहता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इस तरह से ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। और इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखेंगे सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और फिर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में, ये सब हम लोग इसमें जानेंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है कैसे, तो ये होगा एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस
in which green plants prepare their own food by using simple substances like carbon dioxide and water from environment in the presence of sunlight and chlorophyll. इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस. ये एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद प्रिपेयर करता है और इसमें मदद कौन करता है, क्लोरोफिल और सनलाइट के उपयोग करके ये भोजन बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर. तो इसमें रॉ मटेरियल्स होगा फोटोसिंथेसिस में, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. इसमें कौन कौन सा होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इसका रॉ मटेरियल्स है और सनलाइट और क्लोरोफिल ये यूज हो. जिस तरह से हम लोग अपने घरों में भोजन बनाने के लिए यूज करते हैं चूल्हा, मतलब कि उसको एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल फोटो केमिकल रिएक्शन यहाँ होगा. वो वाला घर वाला किचन नहीं, यहाँ पर एक केवल लाइट से, सनलाइट से. यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ये सनलाइट से कैसे अपना भोजन ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, और बनाएगा क्या ये भी इसमें है पढ़ना, क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या होगा, ये होगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इसमें बनेगा, और ये जो ग्लूकोज है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करके रख लेते हैं, मतलब कि ग्लूकोज को वो जो है कन्वर्ट कर देते हैं स्टार्च के रूप में. और ज़्यादा हो गया तो फिर अलग अलग तरीका से उसको कन्वर्ट करके, और फिर प्लांट्स अपने अपने जो भी पार्ट्स हैं उसका, कुछ रिलेटेड पार्ट्स हैं उसमें, वो जमा कर देते हैं. इस तरह से हम लोग देखेंगे, और फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस भी देखना है इस चैप्टर में. हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस. इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे न्यूट्रिशन फॉर लिविंग बींग्स एंड मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन साइकिल. ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल का यूज जो है हम लोग करते हैं. कार्बन साइकिल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक चक्र चलते रहेगा, मतलब कि फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बाहर जाएगा, और वो पहले फोटोसिंथेसिस होने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होगा. तो ये जो प्लांट्स हैं वो क्या करेगा, हम लोग जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पायरेशन में वो इसका यूटिलाइजेशन करेगा, और वो हम लोग का जो छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बदले में हम लोगों को वो फोटोसिंथेसिस का जब प्रोडक्ट होगा, एंड प्रोडक्ट जब बनेगा तो उसमें वो हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है इस तरह से. और हम लोग अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कैसे, मतलब हम लोग जब रिस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वाटर वेपर निकलता है और वो एटमॉस्फेयर में चला जाएगा. इसी तरह से प्लांट्स जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके और वो अपना फोटोसिंथेसिस करेगा. इसके बाद है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. ये जो रॉ मटेरियल्स था उससे जो बना प्रोडक्ट क्या हुआ, ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट और इसका जो है फिर से सेलुलोज में कन्वर्शन हो जाएगा, स्टार्च में हो जाएगा, और तो ये सब अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा भी प्लांट्स जो है वो अपना भोजन के रूप में ये बनाता है, जिसे प्रोटीन और फैट के रूप में हम लोग भी यूज करते हैं. जैसे दलहन फसल लिगुमिनस प्लांट वो अपना न्यूट्रिशन के लिए बनाता है प्रोटीन,
लेकिन हम लोग फिर उसका यूज करते हैं, जो उसके सीड में बचा हुआ रहता है, जो जमा रहता है उसके सीड में, उसका उपयोग हम लोग करते हैं। कुछ वाइल्ड सीड होते हैं, उसका उपयोग हम लोग करते हैं तेल निकाल के, और हम लोग अलग अलग तरह से इसका यूज़ करते हैं, खाने में वाइल का यूज़ करते हैं। ये सब प्लांट्स कैसे बनाते हैं ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। इसके अलावा भी और जो जो बातें इसमें बताई गई है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।